और अभी अभी अरे यार सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है, शाम कुछ वोटिंग की वजह से हमारी बुआ जी घर पे, पड़ोसी दिल्ली वाले जो हैं वो भी घर पे सारे आए हुए हैं, उनको विदा करके भैया लेट हो रहे हैं, हमें जाने दो और बस फटाफट भाग के वोट करने के लिए। वो क्यों वोट देने आए थे? हाँ वो दिल्ली मतलब है तो हापुड़ के ही, दिल्ली अब गए हुए हैं काम की वजह से, अब वो आए हुए थे वोट देने सुबह से, तो उनका चाय नाश्ता भी कराना है और अपने भी करना है। अच्छा आपके साथ आप इन्हीं के साथ? बेटा है ये मेरा और मैं भी इन्हीं के साथ हूँ, बस यही था कि दिल्ली से वो लोग आए हुए थे तो पहले उनका फिर अब अपना वोट। तो आप वोट डालने आई तो आपके दिमाग में क्या मुद्दा था? डालना ही है वोट, मुद्दे की तो कोई बात ही नहीं, हमारा अधिकार है वोट डालना तो डालेंगे ही वोट। तो आदमी सोच के कुछ मुद्दा तो सोचता है ना कि मैं इस मुद्दे पर वोट करूंगा करूंगी। कैंडिडेट सिलेक्ट किया बस जो भी मन में था, कुछ ऐसी बातें हैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा मैं पूछता हूँ, आपके लिए बेरोजगारी इम्पोर्टेंट मुद्दा था, महंगाई इम्पोर्टेंट मुद्दा था, नारी सुरक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विकास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हिंदू मुस्लिम इम्पोर्टेंट है, रामलला इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रवाद, विदेशों में डंका, क्या आपको ज़्यादा? ज़्यादा तो यही है कि जो महिलाओं के लिए इन्होंने करा है उसके लिए ज़्यादा मेरा मुद्दा था कि महिलाओं को लेकर जो सुरक्षित या जो भी चीजें हैं उसको लेके ज्यादा था। महंगाई तो बड़ी है पर साथ साथ डेवलपमेंट, लेकिन सब हाँ उसके साथ थोड़ा सा डेवलपमेंट भी हुआ, तो इसलिए महंगाई ज्यादा महसूस नहीं दी। महंगाई तब महसूस देती कि साथ में अगर डेवलपमेंट नहीं होता तो महंगाई तो है ही, वो तो हमेशा हर राजनेता के साथ। पर लोगों के काम बड़े भी हैं, महंगाई बढ़ी है, काम भी बढ़े हैं, पर अब ये है कि बस अब जो हमने वोट करी है उसके बाद महंगाई जो पेट्रोल अब 90 या 100 है वो 120 ना आ जाए, बस इतना थोड़ा सा रुक जाए इलेक्शन से पहले तो डाउन कर। हाँ थोड़ा रुक जाए, बढ़ा दिया जाता है इलेक्शन से पहले तो डाउन ही होती है, जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे उसके बाद तो हर चीज महंगी होगी, थोड़ा फ्लक्चुएशन चल जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है ना जब, तब लगता है कि एकदम इतना ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, तब थोड़ा सा लगता है। 1-2 रुपए का तो शुरू से चलता ही आया है पेट्रोल में भी। ठीक है धन्यवाद। थोड़ा अब मैं चर्चा करता हूं उन लोगों से जो दिन भर चुनाव की नब्ज पर हाथ रखते हैं और गुड़ा भाग करते हैं, ऐसे बैठकबाजों के पास जरा अंत में आपको ले चलता हूं। तो वोटिंग खत्म हो गई दूसरे चरण की भी, और पहले चरण से कोई बहुत ज़्यादा दूसरे चरण में मतदान नहीं हुआ। इस बीच पूरा हिंदू मुसलमान और मंगल सूत्र कितना कारगर रहा, और सोने चांदी की बात जो कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात कही गई, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा रहा या नहीं रहा, मैं कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर चुनाव खत्म होने के बाद, वोटिंग खत्म होने के बाद, मैंने सोचा आपको क्या लगता है दूसरे चरण के चुनाव में वोटिंग किस तरफ? वोटिंग तो बहुत कम रही है, लेकिन जो सभी वर्गों से वोट मिला है तो ये BSP पार्टी को सभी वर्गों से वोट मिला है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि BSP मेरठ की सीट पे फाइट पे है? हाँ जी लग तो ऐसा ही रहा है, लग ऐसा ही रहा है। तो मतलब ट्रायंगुलर फाइट हुई? नहीं अब मतलब जिस पार्टी को हर वर्ग से वोट मिल रही है तो वो फाइट में तो होनी चाहिए। अच्छा आप ये बताइए दूसरे चरण में जो आज 8 सीटों पर मतदान हुआ है, अमरोहा को छोड़ दिया जाए तो गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, बागपत, ये 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीती थी, आपको लगता है इस बार क्या होगा? रिजल्ट पर तो रिजल्ट आने पर मालूम हो जाएगा, ये तो हम क्योंकि हम तो यहीं की थोड़ा बात बता सकते हैं। और आपको लग रहा है उसकी सीटें कम होगी या 8 की 8 पा सकती है या 7 पाएगी? 8 की 8 तो नहीं अब की बार, लेकिन अब जो और सीटों का तो हम इतना नहीं बता सकते, लेकिन इस सीट पे यहाँ पे जो है फाइट खड़ी रही। आपको क्या लगता है इसमें 8 में नहीं 50-50 हो जाएंगी? 50-50 कैसे? 50 BJP के पास जाएंगे और 50 में अदर आएंगे। अरे सीट वाइज भी आप कह रहे हैं कि बस 50-50 ऐसे ही? नहीं नहीं सीट वाइज जो 8 सीट की आपने बात की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कौन सी सीट आपको लगता है कि BJP हार सकती है? एक तो यहीं की हो सकता है मेरठ की, मेरठ और आपकी एक मथुरा हो सकता है, और इधर की मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर तो पहले चरण में था, पहले में था। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपका नाम क्या है? RG दिवाकर। आपका क्या? मंगू सिंह त्यागी। एक बात बताइए त्यागी वोटों का बंटवारा हुआ है? कुछ थोड़ा 20%। अब वो टोटल BJP का वोटर है?
20% तो गए हैं बीजेपी में, 80% इसमें आएंगे। तो अगर बसपा और सपा दोनों मजबूत लड़ गए तो बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं है? आसान यहाँ यहाँ जो फाइट है बीजेपी और बसपा की है मेरठ में। हाँ जी, आप इस हापुड़ रीजन से कह रहे हैं, हापुड़ में बीएसपी का वोट भी ज़्यादा है इसलिए आप कह रहे हैं, लेकिन मैं मेरठ के बहुत सारे इलाकों से घूमा हूँ, कम से कम 70 किलोमीटर, बाकी बहुत सारे पॉकेट्स में सपा लड़ रही है बीजेपी से। हाँ, सपा लड़ रही है, तो उसमें वोटों का बंटवारा ना, वो तो अलग लड़ रही, वो तो अलायंस है इंडिया का। सपा और भाजपा में लड़ाई दिखाई दे रही है कई जगहों पर, उस साइड का तो मुझे पता नहीं है इतना, क्योंकि मैं उधर घूमा भी नहीं हूँ जो आपको बताऊँ एक्चुअल, तो अपने इलाके का तो पता है मुझे यहाँ। और मुद्दा कौन सा चला? मुद्दा वही महंगाई, बेरोजगारी। और मंगलसूत्र? मंगलसूत्र अभी 2-4 दिन से आया है। ये क्यों आया? बस क्यों, ये तो एक राजनीति है और वोट बैंक का वो है, जैसे शुरू से ही होता हुआ है आया है, कोई ना कोई मुद्दा एक नया आ जाता है इलेक्शन के टाइम ही आते हैं, बाकी तो मतलब ही नहीं है। चल अच्छा, एक बात, 2014-19 के मुकाबले मोदी जी का ग्राफ आपको क्या लगता है, बढ़ा है? डाउन होगा। क्यों? बस क्यों, अब ये तो आप भी समझ सकते हो, हम भी वही हम आपसे पूछ रहे हैं। क्यों? अब पब्लिक को दिमाग में आ गया है, जो पहले दिमाग था वो दिमाग धीरे धीरे डाइवर्ट हो रहा है। चलिए, अब तो 4 जून को ही पता चलेगा त्यागी जी। हाँ बिल्कुल, 4 जून में ही। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए गाड़ी रोक दी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर बोलना क्या चाह रहे हैं, आपको मैंने बहुत देखा टीम में, ये समझ लो मेरी 43 साल उम्र है, पहली बार आपसे मुलाकात हुई है मेरी आज। आप आइए बाहर आइए, 43 साल कौन सी उम्र होती है, 43 उम्र है मेरी। और मैं आपसे बहुत टीम में मैंने बहुत देखा आपको, लेकिन मैं आपसे मिलना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, मतलब ये समझ लो दिल खुश हो गया। मैं हापुड़ टिकैत साहब के तहसील अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा। हापुड़ का तो क्या माहौल लग रहा साहब के? देखो जी, इस बार माहौल का कुछ मालूम नहीं है, बाकी देखो हमारा तो, हम तो यूनियन से वो रखते हैं अपना, हमारा वो है, लेकिन अब जो हमें जैसा आदेश मिला हमने वैसा काम किया, लेकिन इस बार मिला जुला मामला है। नहीं, हम जानना चाह रहे हैं कि ये पहले चरण की 8 सीटों में और दूसरे चरण की 8 सीटों में आप किसानों के बीच में रहते हो, 16 सीटों में बीजेपी के पास 3 और 7 10 सीटें थी, उसकी बढ़ेंगी या घटेंगी? घटेंगी जी, पक्का 100%। कहाँ की? ये पश्चिमी, ये जितने अभी जो चुनाव हुए हैं, ये 8 तो ये हुआ है, और पहले जो हुआ था उसमें मिला के ये समझो करीब ये इनकी 4 सीट घट जाएंगी, 4-5 सीट। चलिए अब 4 जून, मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर इनकी पहले अगर शायद 75 के आसपास आई थी तो ये समझो 65 के आसपास है जाएगा इस बार। अरे 65 आई थी पिछली बार, 14 में आई थी 75, 65 आई थी, तो ये समझ लो आपका 50 रह जाएगा। चलिए 4 जून को देखा जाएगा।